तो देखो ये बात है लगभग 6 महीने पहले की, जब मुझे जरूरत थी एक बेहतर पीसी की, बेहतर कंटेंट बनाने के लिए, जो कि डेफिनेटली आप लोग देखने वाले हो। और मेरे पास में जो एग्जिस्टिंग लैपटॉप है ना, वो भाई इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसको देख करके स्पीड भी एक बार को शर्मा जाए, या कह सकते हो शर्म भी शर्मा जाए, मतलब बहुत ज्यादा स्पेक्स उसके लो थे, उस पर वीडियो एडिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो फिर इसके बाद मेरे मन में आया विचार, मैंने जोड़ना शुरू कर दिया पैसे और फाइनली मैं पहुंच गया अपने इंडिया के जाने माने पीसी मार्केट, नेहरू प्लेस दिल्ली। अब नेहरू प्लेस में पीसी बनवाना या पीसी के कंपोनेंट्स खरीदना अपने आप में एक बड़ी भसड़ है, मतलब आपके दिमाग का दही तो छोड़ो, सीधा रायता हो जाएगा। वेल यहाँ पे हम ये स्टोरी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कभी लाइव वाइव मौका लगेगा तो वहां पे देख लेंगे। वापस आते हैं अपने पीसी बिल्डिंग पर। अब देखो वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, उन बहुत सारे दुकानदारों के बहुत सारे चमचे जो इधर उधर घूमते रहेंगे, आपको भटकाते रहेंगे। बट आपको भी एक सख्त लौंडा बनना है, आपको जो चीज चाहिए किसी अच्छी दुकान पे जाकर के वो परचेज करनी है, अदरवाइज कट जाएगा आपका। तो पूरे दिन की इस मेहनत मशक्कत और होने वाली बारिश को फेस करते हुए फाइनली हमने अपने पीसी का सामान खरीद लिया। और क्या क्या खरीदा वो सारी चीज आपको बताता हूँ, प्राइसिंग वीडियो के एंड में आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो है इंटेल i5-12600K, जो कि एक 10 कोर वाला प्रोसेसर है। अब इस प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए हमने एक कूलर भी परचेज किया, जो कि था कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला लिक्विड मास्टर ML240R, जो कि 240mm का एक कूलर है, दो फैन वाला, और ये ARGB कंट्रोल्स के साथ में आता है, मदरबोर्ड से सिंक भी हो जाता है। और मदरबोर्ड मैंने चूज किया MSI का B660 Mag मोर्टार DDR4 Wi-Fi एडिशन, और रैम यहाँ पे लगी है MSI की D60G, जो कि टेक्निकली मुझे 8-8GB की दो स्टिक लेनी थी 3200 की, लेकिन दुकान वाले ने मुझे चिपका दी 16GB की 3000mAh की एक सिंगल स्टिक, जिसकी भी RGB आने के दो दिन बाद ही खराब हो गई। दुकान वाले ने यहाँ पे भाई मेरा कर दिया पोपट, उसने दिखाया कुछ और, डब्बे में दे दिया कुछ और। और साथ में यहाँ मैंने यूज की है 500GB की SSD, जो कि अगेन XPG की तरफ से आती है S50 Lite, जो कि एक M2 NVMe Gen 4 SSD है। और ज्यादा स्टोरेज के लिए मैंने WD की 2TB की SSD भी यूज की है, जो कि 72 RPM के साथ में आती है। ग्राफिक कार्ड मैंने चूज किया है RTX 3060, जो आता है Inno 3D की तरफ से, Twin X2 OC एडिशन, 12GB VRAM के साथ। और पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की 650W ड्रोन सर्टिफिकेशन वाली। और साथ में कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स की 521MT, जो कि एक मिड टावर कैबिनेट है। और साथ में जो मॉनिटर मैंने चूज किया है वो LG की तरफ से आता है 27GL650F, जो कि एक 27 इंच का मॉनिटर है और आता है 144Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, यानी गेमिंग मॉनिटर है। अब ये मॉनिटर मुझे नेहरू प्लेस में तो मिला नहीं, तो इसको मैंने Amazon से ऑर्डर करके अपने घर डायरेक्ट मंगवा लिया। और अब आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग प्रोसेस, क्या क्या चीजें हमने कैसे कैसे इसमें लगाई, जरूरत होगी तो कहीं पे वॉइस ओवर कर दूंगा, बाकी पूरी पीसी बिल्डिंग का आनंद आप ले सकते हो। तो कुछ घंटों की भयंकर मेहनत के बाद में फाइनली अपना पीसी बनके तैयार हो गया है, अब आप लोग बी रोल्स का मजा उठाओ। अब यूं तो हमने यहाँ पे गेमिंग पीसी बिल्ड किया है, बट इस पे गेमिंग से ज्यादा होती है प्रोडक्टिविटी वाली चीजें, चाहे वीडियो एडिटिंग हो या फिर बाकी के कोई भी काम हो। बट ऑल दो यहाँ पे गेमिंग की है, जहाँ पे फोर्टनाइट खेला है, GTA 5 खेला है और PUBG PC भी खेला है। तीनों के अंदर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिलता है, फ्रेम रेट्स काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, ऑल दो हमारा मॉनिटर भी हाई फ्रेम रेट सपोर्ट करता है और जो ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है, वो तो अपने आप में पावरफुल है ही। तो यही थी मेरे गेमिंग पीसी की एक छोटी सी कहानी, जो मुझे आप तक पहुंचाने में पूरे 6 महीने लग गए।
आलसी मैं हो गया हूं, आई नो, बट कोई बात नहीं, आप लोग डिजर्व करते थे, मन था आप लोगों का, इसीलिए मैंने आपके साथ में ये कहानी शेयर करी, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा। अब आपकी बारी है मेरी उम्मीदों पे खरा उतरने की। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।